के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज करनाल पहुंचे। करनाल में इंडियन नेशनल लोक दल के जिला अध्यक्ष यशवीर राणा के निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वार्थ के कारण उन्हें छोड़कर चले गए हैं, परंतु उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज इनेलो मजबूती की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। इसलिए जो कार्यकर्ता रूट कर इधर उधर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, उनको मनाने का काम करें और अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं और हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, उनसे संपर्क कर संगठन को मजबूत करने में सहयोग दें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में 10 वर्ष की सजा काट रहे हैं। अब वह 14 दिन की पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के अक्सर कहा जाता है कि वह कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला द्वारा दौरे किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी को हरियाणा वासियों व प्रदेश वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राम कुमार गौतम जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, वे तो चौधरी छोटू राम को भी गाली देते हैं। ऐसे कोई व्यक्तियों को कोई जनाधार नहीं होता। इस मौके पर जिला अध्यक्ष यशवीर राणा, ओम प्रकाश सलूजा, फूल सिंह मंजरा, बुब्बल जानी, सुरजीत सिंह संधु, जयपाल पुनिया, सोनिका गिल, रेखा राणा के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। कहां जब आप जी, आपको वायदा देकर के जा रहा हूं, आर्थिक तौर पर जो कोई भी नुकसान आपको हुआ है, हम उस नुकसान की पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा भरपाई करने की कोशिश की। 3200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। जिनको मैंने नौकरी लगाया उनकी तो प्रमोशन हो गई, मैं सजा पूरी होने के बाद भी सजा काट रहा हूँ। मेरी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन ये मुझे छोड़ नहीं रहे। शायद उनको ये डर है कि जब मैं बाहर आऊँगा तो फिर राजनीतिक तौर पर बदलाव आ गए। इसलिए मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को बहुत मजबूत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप नए सिरे से संगठन को फिर ज़्यादा और मजबूत बनाओगे। उन सबको पुचकार करके पुनः पार्टी में शामिल करने का प्रयास करें। जात बड़ी नहीं हो, जमात बड़ी हो। उसके परिणाम बड़े सुखद हैं। चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, व्यापारी है या कर्मचारी है, मजदूर है या कारखानेदार है, किसान है या कमेरा है, इस कुशासन से इस देश का हर नागरिक आज दुखी और परेशान है। और दुखी लोग अपने दुख के निवारण के लिए केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर ही आस लगाए बैठे, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ युद्ध इसमें संघर्ष जुझारू किस्म के लोग, और जनतंत्र में संघर्ष के बलबूते पर संगठन को मजबूत किया जाता है, और संघर्ष के बलबूते पर सत्ता परिवर्तन होता है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, वो केवल इस बात के पक्षधर थे कि इस देश का हर नागरिक संपन्न हो। आप सबको मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। अब आपको तुलनात्मक दृष्टि से देखना है कि जो साल बीत गया वो आपके लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए, देश के लिए कैसा रहा, हानिकारक रहा, उसमें जो खामियां और कमियां रही हों उसको सुधार करके नए साल में हम इस दूषित वातावरण को बदल सकें,
इस सब के लिए आप सब लोगों की जिम्मेदारी। मुझे तो 14 दिन का समय मिला है, मेरी आदत से आप वाकिफ हो गए। जब भी आता हूँ एक एक गांव में एक एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समय के अभाव की वजह से गांव गांव तो नहीं जा सका। इसलिए जिला स्तर पर निंदा कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देते हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, इस थोड़े समय में हम सब लोग मिल करके अपने संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करें। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने साजिश करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाया था और फिर बड़ा दुष्प्रचार फैलाया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। मैं पहले भी आपको बधाई दे चुका हूँ, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत किया। मैं हालात कुछ इस किस्म के रहे हैं, कुछ स्वार्थ की किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छोड़ते चले गए, तो पार्टी के हितैषी नहीं थे, तो सरकार की आड़ देकर के लोग बचाने वाले बने। अब वो लोग गए, उनकी क्या हालत है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आपने अखबारों में सदा होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, पार्टी छोड़ के गए स्वार्थी किस्म के लोग, उनकी बहुत जीती है। आम भाषा में हमारे एक बात कहते हैं, छोड़ पर या पत्थर भारी होता है। पार्टी में टिकाऊ रहते हैं वही कुछ अर्जित करते हैं। सर, संगठन को मजबूत करने की बात आप कह रहे हो लगातार, और संगठन को मजबूत करने के जो कार्यकर्ता चले गए और उसके साथ जो दूसरी पार्टियों से आना चाहेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कह दिया, निवेदन कर दिया मेरे वर्कर जी, इससे हमारा कोई द्वेष छुड़ाइए जी, सबको मनाओ। और गौतम बार बार ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये सवाल उससे पूछो जी, जिसने उसको पार्टी में शामिल किया। जी जी जी, जो दीनबंधु सर छोटूराम को गाड़ी दिया करता था जी जी, उसको उसने पार्टी में शामिल करके एमएलए बनाया, तो उसकी तो ये हालत होनी होनी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज अपने हरियाणा दौरे के दौरान करनाल में जिला प्रधान यशवीर राणा काकू के निवास पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया और दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।